मुफ्ती आलम मदारी साहब को सुनने के बारे में एक सवाल का जवाब अर्ज है कि YouTube पर आप किसी भी शख्स को अगर सुने तो सबसे पहले उसके बुनियादी अकायद पर गौर करना चाहिए कि उसके अकीदे अहले सुन्नत के अकीदों के मुताबिक हैं, मुवाफिक हैं या नहीं। अगर किसी शख्स का ऐसा मामला आप देखें कि वो सही अकीदा सुन्नी तो है मगर कहीं ना कहीं उसका मामला जो है बद मजहबियत की तरफ ज़्यादा है, या ये कि उसकी बातों से या फिर उसके फेल से चीज़ ज़ाहिर होती है, तो ऐसे शख्स से परहेज़ करना चाहिए अगरचे वो ख़ुद को सुन्नी या अहले सुन्नत का बताता हो। मुफ्ती आलम मदारी साहब का भी यही मामला है, बद मजहबों से मेल जोल रखना और अपनी बातों में ये कहना कि सही चीज़ अगर सनत के साथ हुजूर पाक की मोहर हो तो हम किसी से भी हासिल कर लेंगे, उनका मतलब ये है कि आप बदमज़हब के बयान, वहाबियों के बयान से भी अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है तो वो सुन सकते हैं। तो ऐसा शख्स के जिसका रुझान सुलह कुलियत की तरफ ज़्यादा हो उसके बयान सुनने से परहेज़ करना चाहिए। इसी तरीके से एम कासमी के साथ मेल जोल रखना और तोहफे तहाइफ देना, तो ये भी जैसा कि हदीस पाक के अंदर है कि जिसने बद मज़हब या बद दीन की जो है तज़ीम की उसने गोया दीन को ढा देने में, दीन को गिराने में, उसको कमज़ोर करने में मदद की, ऐसा मामला है। फिर भी इनका मामला के एम कासमी जो कि खुला हुआ देवबंदी शख्स है, पूरी दुनिया जानती है, अगरचे वो ख़ुद अपने मुँह से नहीं बोलता लेकिन सबको पता है कि वो एक देवबंदी शख्स है, उस शख्स से मिलना जाना उसके पास और तोहफे वगैरह देना, बैठना और इस तरीके के मामला अगर कोई शख्स करता है तो उससे जो है ना बचना चाहिए। रही बात ये साहब जो है ना मुफ्ती आलम मदारी साहब ये भी अपने बयान में कहते हैं कि आला हज़रत की तहकीक को ये ज़्यादा मानते हैं किसी दूसरे की तहकीक के मुकाबले में। तो फिर याद रखें कि हम आपकी तहकीक से ज़्यादा अच्छी और बेहतर तहकीक फिर आला हज़रत की समझते हैं, उनकी बात आपसे की बात से ज़्यादा मोतबर समझते हैं। मगर फिर भी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की इस बात को नहीं मानते कि बद मज़हब से मेल जोल हराम है, देवबंदी वहाबियों के पीछे नमाज़ पढ़ना नाजायज़ और गुनाह है, वो आला हज़रत की इस बात को नहीं मानते। तो ऐसा शख्स कि जिसके अंदर सुलह कुल्ली वाला मामला है कि जो हर बद मज़हब फ़िरके से सुलह करता हो, कुल जितने बद मज़हब फ़िरके हैं सबसे सुलह करने की सोचता हो, ये सोचता हो कि सबको एक कर लिया जाए, तो ऐसे शख्स के बयान सुनने से परहेज़ करना चाहिए। क्या अजब के कोई ऐसी बात दिल में आपके भी घर कर जाए कि आपको लगे कि ठीक है और फिर आप भी जो है ना ईमान से हाथ धो बैठे। इसलिए बुज़ुर्गों ने कहा है कि ऐसे शख्स से, हर बद मज़हब से और बद मज़हब से मेल जोल रखने वाले शख्स से दूर रहना चाहिए, इसमें अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत होती है। और क्योंकि अभी दौर ऐसा है कि इंटरनेट पर लोग कुछ भी ये समझ लेंगे, फेमस होने के लिए कुछ भी मामला ऐसा ज़रूर करते हैं, किसी की भी बददीन हो चाहे उसकी तारीफ या उसे मेल जोल रखना ताकि अपने आवाम को, सुन्नी आवाम को बहकाया जा सके। तो तमाम सुन्नी मसलक आला हज़रत वाले लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि वो अपने ईमान और अकायद को ऐसे लोगों से भी बचाएं कि जो बद मज़हब से मिलता हो, मेल जोल रखता हो और फिर भी ख़ुद को सुन्नी कहने का दावेदार हो, तो ऐसे शख्स से जो है ना वो बचना चाहिए। अब अपनी कज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। जाने सैयद सआदत है कोई खेल नहीं, सआदत है कोई खेल नहीं।